वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है शायद 9:45 या 10 का, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, 9:20 हो रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं। और मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, 4-5 दिन के कपड़े हो रहे हैं। और कल जैसे कि लाइट नहीं थी तो इस वजह से कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो अब मैंने मशीन लगा ली है और लाइट आ रही है इसलिए लगा लिया। कपड़े धो रही हूँ और बर्तन वगैरह कुछ वॉश नहीं हुए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है बस, और बाकी सारा काम रह रहा है। तो अभी मैं इस सारा काम समेटने में लग रही हूँ धीरे धीरे धीरे, और हाथ एकदम चिल्ड हो गए हैं, ये उंगलियाँ ना एकदम ठंडी पड़ गई हैं। तो चलो मैं कर रही थी, और ये रात को सब्जी लेकर आए थे तो मैं साथ के साथ सब्जी भी लगा रही हूँ, उधर कपड़े भी थोड़ी, सारा काम ये काम कर दे रही हूँ, वो काम कर दे रही हूँ। सर्फ थे, सर्फ के मतलब मैं टाइड और फेना जो सर्फ आता है उनको मिक्स कर लेती हूँ, तो वो मिक्स किया है सब कुछ करके और कर रही हूँ काम। तो अब निमट गया मेरा सारा काम। और अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई थी और धूप निकल आई, मतलब धूप भी आ रही थी और फिर एकदम से घटा हो गई, और इतनी मतलब तेज भी नहीं और कम भी नहीं, ऐसे बारिश हुई। फिर सारे कपड़े उठा के अंदर करने पड़े और फिर बंद हो गई, धूप निकल आई है। अब ऐसा हो रहा है कि एकदम से मतलब काली घटा आ जाती है फिर धूप आ जाती है, काली घटा आ जाती है धूप आ जाती है। और आधे कपड़े ऊपर सुखा के आई हूँ, खुले खुले सुखाए हैं मैंने। गर्मियों में तो ये होता है कि एक के ऊपर एक डाल दो तो सूख ही जाएंगे, पर सर्दियों में तो भाई एक एक कपड़ा बहुत खुला खुला सुखाया है मैंने, दूर दूर दूर, कि उनको अच्छे से हवा लगे, धूप लगे तो जल्दी सूख जाएं। और मैंने भी वीडियो एडिट नहीं करी है, वीडियो एडिट करती हूँ बस। मैंने भी खाना खाया क्योंकि मुझे काम करते करते बहुत ज़ोर से भूख लग गई, कहते ना बहुत ज़ोरों से भूख, वैसी भूख लगी, तो मैंने फटाफट से 2 रोटी बनाई अपनी और खाना खा दिया। टाइम क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, 12:45 हो रहे हैं, मुझे लगा भी 11 का टाइम हो रहा है। मैं फटाफट से वीडियो एडिट करके वीडियो अपलोड करूं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वैसे मैं व्लॉग की मैं शुरुआत सुवाई कर चुकी हूं, मैंने चाय रखी है बनने के लिए, उसमें चाय पत्ती चीनी डाल दी है। और आज तो धूप अच्छी निकल रही है जी, सुबह तो बारिश हुई थी हल्की फुल्की और गुड़गांव में तो ज़ोरदार हुई है, तो ये देखिए धूप तो अच्छी निकल रही है। पर मैं अंदर ही बैठी थी तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं चला कि धूप कैसी निकल रही है कैसी नहीं निकल रही है, कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। और आज बिंदी मैंने जो मांग से सिंदूर भरती हूँ, मतलब सिंदूर जो भरती हूँ मांग में, उसी से मैंने लगाई थी बिंदी, और वो ऐसे करने से साफ़ हो गई है, तो हल्की सी रह रही है वैसे।
तो चलो चाय बना लेते हैं, आप आ जाएं, चाय बन रही है, आप भी पी लीजिएगा गर्मा गर्म चाय विद नमकीन के साथ, विद नमकीन के साथ। तो और मैंने ना उसका जो मैंने दोबारा से बुनना शुरू किया था उसके मैंने बाजू निकाल दी हैं, मतलब बाजू तक मैं पहुंच गई हूँ। हाँ आज मैं लेटी नहीं, आज मैंने कुछ आराम नहीं किया, सुबह से काम किया फिर उस पर बुनने के लिए बैठ गई, तो आज मैंने कुछ काम नहीं, मतलब कुछ आराम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया है, मैं कैसे कह सकती हूँ मैंने कुछ काम नहीं किया। तो 4:30 बजे की उठ के काम में लगी पड़ी और मैंने कुछ काम नहीं किया। और बस ये मैं खाने के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, पर कल गैस है तो मैं सोच रही हूँ चावल आज बना लेती हूँ, क्योंकि कल चावल नहीं बना पाऊँगी, गैस एकादशी को चावल नहीं बनाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, कई लोग खाते हैं, ऐसा नहीं हर कोई खाता है नहीं खाता, कई लोग खाते हैं जिन्हें नहीं पता होता वो खाते हैं, पहले मुझे भी नहीं पता था, पर अब धीरे धीरे मुझे इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होने लगी है तो इसलिए पता है। तो चलिए आप भी आ जाएं, चाय पी लीजिए, चाय में उबाल आने लगा है। हे गाइस, मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बहुत मुश्किल काम करने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मजाक कर रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ जीरा पाउडर, मेरा जीरा पाउडर ख़त्म हो रहा है तो जार ले लिया है, पैकेट खोल रही हूँ जीरे का, है ना कितना टफ काम है ना पैकेट खोलना जीरे का, फिर उसका जीरा पाउडर बनाना, वो खोल लिया मैंने बहुत मुश्किल से जीरे का, बहुत ही टफ है सच में, ये खुल गया पैकेट और इसमें मैंने जीरा ले लिया है और बाकी जीरा मैं इसमें कर देती हूँ छोंकने के लिए। अब बस मिक्सी में डालूंगी, मतलब मिक्सी पे लगाऊंगी इसके जार को और चला दूंगी, ब्लेंड कर दूंगी, बस बन गया जीरा पाउडर आपका। अगर आपको भून के बनाना है तो आप थोड़ा सा इसको तवे पे जीरे को भून लीजिए, थोड़ा सा भूनिएगा, ज़्यादा मत भूनिएगा, और उसके बाद बना लीजिए। मैं सोच रही इस बार भून के बनाऊँ, मैंने कभी भून के नहीं बनाया, मैं सोच रही भून के बनाती हूँ, चलो तैयार ऑन करती हूँ, आपको बताते बताते ये वाला भी मैं करके देख लेती हूँ। मैंने कभी वैसे जीरा पाउडर भून के कभी नहीं बनाया है, हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलो अब की बार मैं भून लेती हूँ, तवा मैंने रख दिया है गैस पे, ये देखिए तैयार रख दिया है, अब इसे गर्म होने दूंगी। इस पे मैंने परांठे बनाए थे तो थोड़ा सा घी है इस पे, कोई नहीं तो जीरे में थोड़ा सा घी आ जाएगा। हल्का सा फ्राई करूँगी, हाँ होने लग गया तवा गर्म, तो मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। और एक स्पून की हेल्प से हम चलाते हुए भून लेंगे थोड़ा सा स्पून की हेल्प से, ज्यादा नहीं भूनना है हमें, बस इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लगे ना, जब जीरा भूनते हैं तो खुशबू आती है, तो बस वो खुशबू आने लगे तो गैस फ्लेम ऑफ करके मैं इसे जार में डालूंगी। थोड़ा ठंडा करके पीस लीजिए अगर आप ठंडा करके, क्योंकि इसमें से अगर हम कोई गर्म चीज पीसते हैं तो एकदम से इसका ढक्कन उछटने का डर लगता है। ये देखो चटकने लग गया जीरा, खुशबू आने लग गया जीरे की, तो मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी जीरे की। अब इसे मैं जार में ट्रांसफर कर लूंगी,
तो जीरा मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, और ध्यान से पलटिएगा तवे से इस पर, मतलब अगर आप गर्म गर्म कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, वरना थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा, उसके बाद कर लीजिएगा। पर अगर गर्म ही गर्म कर रहे हैं जैसे मैंने किया तो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा, नहीं तो हाथ जलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये लगा देती हूँ मिक्सर का बटन, और बाहर हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी, मैं कपड़े उतार के लाई हूँ, ऊपर यहाँ इतना कमरे में पता नहीं चल रहा है हवा का, बाहर निकलते ही हवा का बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, धुआं निकल रहा है। क्योंकि गर्म है ना जीरा, तो उसमें से जो उसका होल है जार का ऊपर ढक्कन में, उसमें से धुआं निकल रहा है। खोल के देख लेते हैं, गरम है जा, ध्यान से कीजिएगा थोड़ा काम। ओहो देखिए, कुछ कुछ जीरे ऐसे, तो ये हमारा जीरा पाउडर बनके तैयार है। मैं इसे किसी भी कंटेनर में आप रख लीजिए, तो रख लेती हूँ।